कागज दिखाइए। हवलदार चेक करना। ये सब क्या हो रहा है साहब? कुछ नहीं, एक औरत किसी का खून करके भागी है, पुलिस उसी की तलाश कर रही है। ये पेशेंदर कहाँ से उठाया आप? यारी रोड से साहब। जाना कहाँ है? जुहू। मैम जरा चेहरे से हाथ हटाना। अरे आप टॉर्च बंद करिए, ये लाइट आंख में लग रही है। ठीक है ठीक है। हेलो, सर पीछे चेक करो। हाँ सर, हाँ सर, सर चेकिंग चल रही है सर, मैं नाके पे हूँ। लगता कोई नहीं है, मैं चुपके से भाग जाती हूँ। ओके मैं आ जाऊँ सर। ओके। अरे ये औरत कहाँ चली गई? ए कहाँ गई वो औरत? मुझे नहीं मालूम साहब। साहब क्या बच्चे, ए इधर आओ, ए यहाँ पर देखो औरत यही गई होगी। पड़ो तुम इधर से जाओ, ए तुम लोग चेक करो। इन लोगों से कैसे बचो? इन्होंने चारों तरफ जाल फैला रखा है। जाओ तो जाओ कहाँ? भगवान मेरी मदद करो। थैंक्स फॉर द कॉफी, अभी पी रहा हूँ यार, एक मिनट। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे रेस्टोरेंट के उसे परमिशंस हैं, लाइसेंसेस, वो सब वो हो गया सब? नहीं हुआ अभी, नहीं है, राजवीर से बात करूंगी ना अभी। अच्छा ठीक, कर लेना। अरे हेलो, हाय रवि, राजवीर है। ओह हाय राजवीर। राजवीर यार एक मिनट बात कर लो। या हाय रवि, आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट, यू नो, ये जो रेस्टोरेंट पिक्सी खोलना चाहती है, इसके जो वो परमिट्स है, यू नो, लाइक द लिकर परमिट और वो बाकी सब लाइसेंसेस, वो सब पेपर वर्क हो जाएगा ना? हाँ हाँ रवि, वो सब कुछ हो जाएगा। दरअसल मैंने उसी सब के बारे में बात करने के लिए फोन किया है, जरा मेरी पिक्सी से बात करवा दो। ओह श्योर, शी इज राइट हियर, वन सेक। तुमसे बात करना चाहता हूं उसके बारे में। हेलो, हाय राजवीर, हाउ आर यू? अच्छा सुनो, मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत तंग कर रही हूं, बट तुम्हें लगता है ये सब एक हफ्ते में हो जाएगा? हाँ हाँ पिक्सी, ये सब हो जाएगा। दरअसल मैंने रूलिंग पार्टी के एमपी से इस बारे में बात भी की है, किस्मत से वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। He's a very powerful politician and he has promised me कि ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। उससे बात करके मैं तुम्हारी और उसकी मीटिंग जल्द ही फिक्स करवाता हूँ। ठीक है, brilliant। फिर तुम मुझे फोन कर देना, tell me whenever, मैं आ जाऊंगी। जरूर, bye, take care। Okay, thanks, bye। क्यों? Actually उसका एक friend है राजवीर का, politician ही, सिंह, मैं उसकी मदद लेता हूँ। Politician? Politician की मदद क्यों ले रहा है? I mean सीधे रास्ते जाए ना। क्या फर्क पड़ता है? काम जल्दी हो जाएगा ना, तुम क्यों डर रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ, just worried, you know. Anyway, better go. Bye. अरे तपन, कहाँ जा रहा है तू? आज तो संडे नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ? अरे और ये कपड़े, ये तो तू सिर्फ जब कहीं पार्टी में जाता है तब पहनता है ना? हाँ तो पार्टी में तो जा रहा हूँ ना। पार्टी? कहीं वो सुपरमार्केट वाली पार्टी तो नहीं? किसकी पार्टी? किसकी? हाँ लंच पार्टी में जा रहा हूँ। लंच पार्टी? ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को लंच पे बुला के खिला देता है। अरे कोई वजह तो होगी, कोई शादी होगी या बर्थडे होगा या कुछ तो होगा। बर्थडे? बर्थडे? किसका बर्थडे? कौन है वो? किसकी पार्टी है? हाँ तो बता रहा हूँ ना मैं, करण, करण की बर्थडे पार्टी का लंच है। फिर वही सुपरमार्केट वाली पार्टी? हाँ आपको याद आ गया ना, करण,
मैनेजर, सुपरमार्केट, करण की बर्थडे पार्टी का लंच है आज, सारे दोस्त आएंगे, सभी पुराने दोस्त। अच्छा, तो वो सुपरमार्केट वाली सेल्स गर्ल भी आएगी ना, क्या नाम है उसका, कुकु। कुकु? कौन कुकु? अरे वही जो सुपरमार्केट से फोन करती है। ओ हाँ, मम्मी पता नहीं आएगी कि नहीं। अच्छा, तो उसके लिए कोई प्रेजेंट लिया है कि नहीं? पता नहीं क्या पसंद करेगी वो, कुछ तो देना ही होगा ना। पसंद करेगी? ये किसका बर्थडे है, करण लड़का है या लड़की? लड़का है। अरे चला गया, जब भी कभी ये सुपरमार्केट की बात आती है ना तो डीको का सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। हेलो तपन भाई, मैं बस आपके बारे में सोच ही रहा था कि आपका फोन आ गया। तुम इस वक्त कहाँ हो? बस मैं निकल ही रहा हूँ। अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपके दोस्तों को पहली बार मिलूंगा, तो क्या तोहफा लेकर आऊँ? वो कहते हैं ना कि जब पहली बार किसी को मिलते हैं तो कुछ देना चाहिए। हाँ तोहफा तो चाहिए ही। हाँ तो बताइए ना क्या तोहफा लेकर आऊँ। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फूलों का गुलदस्ता। ओके डिकू। डिकू? आप भी मुझे मेरी मम्मी की तरह डिकू बुलाती है? सरस। अच्छा अब बताइए ना, वो बात क्या है ना कि मैं ऐसे लंच पर पहली बार आ रहा हूँ। देखो कपिल, मेरे सारे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके? वो सारे बहुत अच्छे, यू विल लाइक देयर कंपनी। आई वेट फॉर यू। या आओ जो। बाय। तानिया कहाँ जा रही हो, क्या हो रहा है सब? I don't want to live with him anymore. मैं जा रही हूँ यहाँ से आंटी। ये क्या बचपना है? ये बचपना नहीं है आंटी, बहुत सोच समझ के कह रही हूँ मैं। इन रोज रोज के झगड़ों से तो अच्छा है once and for all मैं चली ही जाऊँ। हाँ तो चली जाओ ना, किसने रोका तुम्हें? विक्की, तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा है? आंटी प्लीज आप कुछ मत बोलिए, इसे जाना है तो ये जाए, अभी तक बचपना है इसके दिमाग में, कोई बात समझ में आती नहीं है। गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू स्टे विद यू। मैं जा रही हूँ। विक्की, तानिया। पता नहीं अब राजवीर को कैसा लग रहा होगा, हद हो गई है। मैं रवि एक बार सोच के नहीं बात कर सकता, वैसे भी आजकल के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। वो गाइस इज हेल्पिंग यू आउट एंड सेल्फिश। ज्यादा क्या है वो बेचारा, बस टीना से प्यार करता है इसलिए। ओ हाय, हेलो, तेरा इंतजार करती। आ जाओ टिकू जी। आज कुकू जी का टिकू जी आ रहा है। टिकू जी आ रहा है। अच्छा लिसन, आई हैव प्लान समथिंग, यू नो व्हाट वी शुड डू। डन ब्रिलियंट, बैंड बजा के रख दिया। एब्सोल्युटली पक्का। गुज्जू भाई को देख लेते यार। टिकू जी, आई डिजर्व दिस ब्रेक। मलिका, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, लंच पार्टी में जाना नहीं है कि तुम्हें मेरे साथ? नहीं यार तू जा, वैसे भी कुकू ने मुझे इनवाइट नहीं किया है, कितना अजीब सा लगेगा इतने सारे मेहमानों के बीच में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए। अरे कुछ भी नहीं लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट, तुम मेरी दोस्त हो तो मेरे साथ जा ही सकती हो। नहीं यार, वैसे भी आज मैं अपसेट सी फील कर रही हूँ। आर यू श्योर? वेल यू आर गोना मिस अ ग्रेट पार्टी, नेक्स्ट टाइम। यही तो सही मौका है मनु विराज के पास आने का। अरे तानिया, क्या बात है, व्हाई यू क्राइंग? क्या बात है बताओ ना। मैं वापस जा रही हूँ आंटी, हमेशा हमेशा के लिए। ओह गॉड, अपने पेरेंट्स के पास। लगता है तुम्हारा विकी के साथ फिर से झगड़ा हो गया। देखो बेटा, लिसन, यू जस्ट टेक इट इजी, मैं उससे बात करूंगी, मैं रात से कहूंगी उससे बात। कोई फायदा नहीं है आंटी, आप कोई भी उससे बात करें कोई फायदा नहीं पड़ता, विकी का मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, मुझसे प्यार ही नहीं करता।
इसलिए मैंने तय कर लिया आंटी, बस अब मैं वापस जा रही हूँ। देखो टानिया, इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी में नहीं करते। नहीं आंटी, दिस इज फाइन, इसके आगे और कोई डिस्कशन नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए, आई विल बी फाइन। आप जाइए, आई एम ओके। आर यू श्योर? यस। देखो टानिया, तुम जानती हो ना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इफ यू नीड एनीथिंग, जस्ट पिक अप द फोन एंड गिव मी अ कॉल। आई नो। ओके, टेक केयर बच्चे। हाय। चलो खाना रेडी, एवरीथिंग रेडी, क्लीन हाउस। ये ठीक है, वहां पर आ गई, जब देखती हूं। आई होप इट्स हर, वो मिस्टर डीकू साहब ना हो पहले। Oh, hi. Hello. Looking nice, baby. Thank you. What's this lunch in aid of? क्या पार्टी है ये? ये हमारी कुकु के डिकू साहब आ रहे हैं। गुगल। डिकू जी। ढंग से आज इसको देखेंगे। अरे, we are gonna scandalize. इतना तंग करेंगे ज़िंदगी भर ये लंच याद। अरे कुकु, बाथरूम से निकल के आना। आ रही हूँ। Hello. Hello. तुम सब इतने बंटन के क्यों आए हो? Excuse me. हम हमेशा ऐसे होते हैं, okay? Look at you. कुकुबेन, क्या हो गया आपको? क्या करें कुकुबेन, बनना पड़ता है ना। तपन पटेल, डीकू पटेल is coming. डीकू पटेल, कहाँ पर है? आगे आगे आगे। नहीं नहीं, मेरा घर है। Please संभाल के। संभाल के क्या मतलब? हे भगवान। Oh, hi. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तपन। Oh, तपन पिक्सी। Hi, आइए ना, please please. हाँ, ठीक है, बैठो। आप पानी वगैरह कुछ लेंगे यार? नहीं, वो घर से पीकर आया। थोड़ा और प्यास नहीं लगी? गर्मी बहुत है। नहीं ठीक है। पिक्सी। हाँ पिक्सी, ये नाम है। हाँ, जैसे आप डिकू वैसे पिक्सी। पिक्सी, टीना, 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 रेवा, रेवा। वो कंफ्यूज थे। रेवा, टीना, पिक्सी, कुकु, कुकु, पिक्सी, टीना, रेवा। दो पछी याद हो जाएगा। ये आपके लिए। ये क्या है? ये आपके लिए। इसकी आदत है, जब वो किसी लड़की को मिलता है तो फूल लेकर आता है। सो मच। मम्मी बोलती है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना। अच्छा। वो बहुत खुशबूदार है, स्पेशल बनवाया है ना। So sweet, thank you. Thank you, thank you. Sweet. It's okay, it's okay. आप कुछ स्नैक्स वेक्स लोगे? हाँ, नहीं। No snakes? हम स्नैक्स खाने नहीं आए, लंच करने आए। इधर कैंडी आ गया। एपेटाइजर, एपेटाइजर चाहिए था ना पहले। पानी हाँ। पिला दीजिए। चलो चलो पानी दे दो। अभी लेकर आते हैं, एक सेकेंड। ठंडा, बर्फ, सादा, रूम, कुछ भी, कुछ भी पानी चाहिए। और बताइए पटेल। हाँ, तपन पटेल। तपन पटेल। पुलिस का कहना है कि मंजू गिरफ्तार होने से बाल बाल बच गई। मंजू ने आश्रम में पनाह ली और पुलिस के आश्रम पहुंचने से पहले मंजू वहां से निकल गई। पुलिस को नहीं मालूम कि वो अब कहां है। देखो, पुलिस की सर्च पार्टी लगी हुई है, वो आश्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। अगर मंजू आश्रम में आएगी तो पुलिस उसे नैप कर लेगी। लेकिन मनु, एक बात जो सामने आई है वो मंजू के फेवर में। वो क्या है? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जिस रिवॉल्वर पर मंजू की उंगलियों के निशान मिले हैं, उन पर तीन और फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हो सकता है कि यह कत्ल उनमें से किसी एक ने किया हो। हाँ जीत, लेकिन मंजू हमें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही? व्हाई शी रनिंग, भाग क्यों रही है वो? कहां चली गई वो? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे उसे? अरे फिर नहीं देखेंगे? मुझे लगता है जैसे मैं कोई ज़ू का बंदर हूँ। और अरे बंदर तो बहुत क्यूट होते हैं। तुम भी क्यूट छे। क्यूट छे, क्यूट छे। अच्छा डिकू। तपन। अच्छा तपन, एक बात बताओ, तुम्हें कुकु से प्यार है कि नहीं? हाँ, वो तो उनको पहली बार शॉपिंग सेंटर में देखा था ना, तब से मैं। शादी करोगे ना? पागल हुई है क्यों? देखो, तुम्हें कुकु से प्यार है ना? हाँ। कुकु, तुम्हें भी उससे प्यार है? अरे तुम्हें उससे शादी भी करनी है, जब तक हाँ नहीं बोलेगा तो शादी कैसे करोगे? शादी करोगे ना? सो कहो छो के। अच्छा अच्छा सुनो सुनो। हाँ, इससे पहले
तुमने कभी भी कुछ किया है? कुछ भी किसी लड़की के साथ? कुछ किया है? अब वो जो अरे यार आदमी हो, दिल है, वो कुछ कुछ होता है ना दिल में। अरे यार हम सब करते हैं, हमने भी किया है पहले। हम सबने किया? आप क्या कह रहे हैं? अरे यार किसी लड़की के साथ कुछ किया है? तो फिर किसी लड़की के साथ कुछ किया है? नहीं। अरे यार तुम्हें कभी प्यार ही नहीं वाला इसमें क्या प्यार? इमले साथ है तो इससे पहले भी तो प्यार होता है ना? नहीं वो मैं ये सब नहीं करता, अच्छा लगता है, नहीं मुझे डर लगता है। अच्छा अच्छा चुप पियो। शराब है? शराब नहीं है, आई मीन शराब नहीं है, ये बियर है और ये तो मैं जब से इतनी छोटी थी ना तब से पीती थी। नहीं देखो रेवा बहन, मैंने अगर ये पिया ना और मैं पीकर घर गया ना तो मम्मी पापा वड़ से पड़ जाएंगे। नहीं मतलब वो नाराज हो जाएंगे, मुझे घर से निकाल देंगे ना। नो प्रॉब्लम, नाराज हो जाएंगे तो सीधे आ जाओ यहां पे सो जा सोफा में, मस्त सोफा। नहीं नहीं उनको जाओ। अरे कमाल कमाल, तुम कोको से प्यार करते हो ना? हां कोको के देखिए से तुम समान से बांध से। अरे बाबा मैं मैं किस में? अरे एक सीट एक सीट एक 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 कोको के खाते वांट से बांध के कोको के लिए मैं मेरा से बांध। यक ओ बाप रे बाप, एनी द पियो दूध मिलेगा? दूध मुंह चल रहा है, मिल्क शेक पन चल से, वो आम भी चलेगा, सीजन है ना हाफूस फायरी। हाँ हाँ नो टेंशन, मैं हाफूस का दूध बना के लाती, तू इसके साथ बैठती ना खाना बनाते चल। तू गाय लेके रख घर, हम बना। हाफूस का दूध कैसे बनता है पिक्सी? कुकु जी एक बात बोलो, मुझे सब डबल डबल दिख रहा है, सब ऐसे ऐसे हिल रहा है, लगता है मुझे नशा हो गया। तपन ये नॉन अल्कोहलिक बियर है और तुमने तो पी भी नहीं, सब कुछ तो थूक दिया। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नशा हो रहा है? तुम्हें वहम हो गया है। नशा नहीं होता? नहीं। तो कुकु मुझे लगता है कि शायद तुम्हें देखकर नशा हो गया। हाँ। आपको भी नशा होता है तो फिर और पियो ना। नहीं नहीं भगवान, मैं मैंगो जूस लेकर आती हूँ। थैंक यू। ये सब हुआ है मेरे साथ बाबा, एक के बाद एक खून का इल्जाम लग रहा है मेरे सर पे, मैं तो भागते भागते थक गई हूँ। बेटी ये सब भाग्य का लेखा है, ऊपर वाला जब चाहे जिसे परीक्षा के चक्कर में डाल देता है, वो परीक्षा ले रहा है तेरी, लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं तू निर्दोष है, तूने हत्या नहीं की, तू हत्या कर ही नहीं सकती। इस समय तुझे मन की शांति चाहिए और यहां रुककर उस शांति के लिए ध्यान लगा, ऊपर वाला तुझे अवश्य देगा। पता नहीं कोई है जो तेरी खुशियों को निगलना चाहता है बेटी। हाँ एक मैडम है जो मुझे इस ट्रैप में फंसा रही है, पता नहीं कौन है पर मैं उसकी सच्चाई जानकर ही रहूंगी। बेटी दृढ़ संकल्प से तो कुछ भी कर पाना आसान है, तू ध्यान लगा भगवान तेरा साथ देगा, उसने तेरी खूब परीक्षा ली है, वही तुझे संकट से उबारेगा, क्योंकि ये संकट भी उसी ने दिया है। भगवान तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, पता नहीं ये मैडम कौन है पर मैं उस तक पहुंच कर रहूंगी।